जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड जीके के लिए परीक्षावाणी बुक से चैप्टर 8 को, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी, इन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशता मृदा का पीएच मान कितना है? तो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5.5 एवं 6.5 के मध्य में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर देखेंगे ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिविजन हो सके। क्वेश्चन नंबर 2, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए वह है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए 15, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? दोस्तों, पीसीएस मुख्य परीक्षा 2006 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, ठीक है, सूर्यमुखी। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महिला कर्मकारों के द्वारा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, महिला कर्मकारों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? दोस्तों, परीक्षा में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंचल नाम से, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 6 है, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? तो दोस्तों, प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर, कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हमारा होना है। तो दोस्तों, यहां पर उत्तराखंड जो प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? चलिए देखेंगे यहां पर ऑप्शन बी, गेहूं, धान, मंडुआ और आलू, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा, गेहूं, धान, मंडुआ व आलू। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन ए, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है, कारण है यह पहाड़ी डालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो देखेंगे दोस्तों, कौन सा कूट यहां पर राइट होगा? तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए, जो किसका था? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, जो कि एक मिर्च का पौधा था। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है? तो दोस्तों देखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाली व मुठ्ठी उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग कितनी है? तो दोस्तों, कृषि योग्य भूमि की बात की जाए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 13%। क्वेश्चन नंबर 12, किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? तो दोस्तों, देहरादून को जो है भारत सरकार के द्वारा लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 200 वर्ग मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा दो वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो दोस्तों, प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, धान, गेहूं, मंडुआ व पड़ती। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है, तो दोस्तों भकार शब्द का जो उपयोग है उत्तराखंड में किसके लिए होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खाद्यान्न संग्रह हेतु। क्वेश्चन नंबर 16, मेहता फसल की रोपाई का समय क्या है? तो दोस्तों, मेहता फसल की रोपाई का समय है 15 से 30 जनवरी, ठीक है, ऑप्शन डी, 15 से 30 जनवरी। चलिए क्वेश्चन 17 है, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कौन सा है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिद्वार। याद रखिएगा दोस्तों, ऊपरी गंगा नहर का उद्गम जो उद्भव स्थान है यह हरिद्वार में है। क्वेश्चन 18 है, विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए, ठीक है, 1863 से 73 के बीच में विकेट बंदोबस्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19,
राज्य में उत्पादित मंडुआ अनाज का निर्यात किया जाता है? दोस्तों कहां पर किया जाता है यह हमें बताना है, तो देखिएगा ऑप्शन बी जापान प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया था। दोस्तों कब किया गया था यह हमें यहां पर बताना है, तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2005-06 में। चलिए क्वेश्चन 21 है, राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिशप हेबर के द्वारा जो है राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया गया था। क्वेश्चन 22 है, राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर रायले के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 23 है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली दो फसलें कौन सी है? तो दोस्तों गेहूं तथा चावल, याद रखिएगा गेहूं तथा चावल राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली दो फसलें हैं। क्वेश्चन 24 है, निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? तो दोस्तों राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में जो है यहां पर झंगोरा राइट आंसर होगा, झंगोरा की जो खेती है ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहां है? तो दोस्तों सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि की बात की जाए तो प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उधम सिंह नगर में। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहां है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग में, राज्य में जो है सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। क्वेश्चन 27, स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी 1960-64 में स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। क्वेश्चन 28 है, राज्य में चाय ज्वालामुखी प्रकार की मृदा कहां पाई जाती है? तो चलिए देखेंगे यहां पर नैनीताल, हरिद्वार, अल्मोड़ा या उधम सिंह नगर में। तो दोस्तों नैनीताल में जो है राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन 29 है, निम्न में कौन दलहन नहीं है? चलिए देखेंगे गहत, तोर, भट या रागी। तो दोस्तों रागी यहां पर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा जो कि दलहन नहीं है। क्वेश्चन 30 है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को तीन प्रकारों में बांटा जाता है, निम्न में से कौन उन तीनों प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन डी नम भूमि, ठीक है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा नम भूमि। क्वेश्चन 31 है, जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है, इन खेतों में जुताई किस प्रकार से की जाती है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, ठीक है आड़ी जुताई जो है की जाती है। क्वेश्चन 32 है, राज्य में सर्वप्रथम कृषि औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन बी, ठीक है बेलाडोना की जो है सर्वप्रथम जो है राज्य में जो है बेलाडोना औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी। क्वेश्चन 33 है, राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है, जिरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है? तो दोस्तों जिरेनियम का मुख्य उत्पाद यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुगंधित तेल, ठीक है दोस्तों सुगंधित तेल प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 34, निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है? तो दोस्तों चाय की जो खेती है ये हरिद्वार में नहीं की जाती है, इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है नैनीताल, अल्मोड़ा और चमोली, इन तीनों जनपदों में चाय की खेती की जाती है। चलिए क्वेश्चन 35, राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? तो दोस्तों क्वेश्चन 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बागेश्वर में, याद रखिएगा बागेश्वर में जो है एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है। क्वेश्चन 36 है, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी तराई मिट्टी। अगला प्रश्न यहां पर, मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देहरादून जनपद, जो कि मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। क्वेश्चन 38 है,
चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो दोस्तों चावल के उत्पादन की यदि बात की जाए तो सर्वाधिक उत्पादन उधम सिंह नगर में होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 39 देखिएगा, राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है, मलबरी, टसर, मूंगा या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है, रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रामगंगा बांध को यहां पर देखिएगा, महिला सब इंस्पेक्टर 2016 परीक्षा में जो ये प्रश्न पूछा गया था, तो आपको याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी कालागढ़ बांध को। ठीक है दोस्तों, कालागढ़ बांध को रामगंगा बांध के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 41 है, राज्य में किस स्थान पर अति हिमकृत वृय उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्यामपुर देहरादून में। चलिए क्वेश्चन 42, सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, उत्तरकाशी जनपद सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जनपद है। क्वेश्चन 43 है, निम्न में से कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चाय उत्पादन के लिए नैनीताल जनपद प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 44 है, किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रेल को। ठीक है चलिए क्वेश्चन 45 है, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहां की गई थी? तो दोस्तों नैनीताल जनपद में जो है डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 46 है, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तलाऊ भूमि। ठीक है, तलाऊ भूमि जो है क्या कहा जाता है, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 47 है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों प्रथम डेयरी संघ की यदि बात की जाए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हल्द्वानी में। चलिए क्वेश्चन 48 है, निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त सभी यानी कि कौसानी, भीमताल तथा भुवाली, ये सभी क्या है, टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 49, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 13%। क्वेश्चन 50 है, निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो दोस्तों तराई मिट्टी, याद रखिएगा तराई मिट्टी जो है गन्ने व धान की पैदावार के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन 51, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है? तो दोस्तों गन्ने के सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाए तो उधम सिंह नगर, प्रश्न का राइट आंसर होगा उधम सिंह नगर जनपद में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन 52 की ओर, राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊपरी गंगा नहर, जो कि राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर है। क्वेश्चन 53, राज्य के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो दोस्तों नहरों का, नलकूपों का, तालाबों का या कूपों का? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नलकूपों का। चलिए क्वेश्चन 54 है, उत्तराखंड प्रदेश में किस फल की पैदावार नहीं होती है? तो दोस्तों पटवारी लेखपाल परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नारियल की। क्वेश्चन 55 है, ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों भूमि के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा भूमि। क्वेश्चन 56 है, उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्नों के भंडारण हेतु जो उत्तराखंड में बकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड रिवीजन क्लास के अंतर्गत ही हमारा उत्तराखंड परीक्षावाणी बुक का चैप्टर 8 था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से हम परीक्षावाणी बुक को कंप्लीट करेंगे और इसके अतिरिक्त हमारी लूसेंट जीके की प्रैक्टिस सेट भी चल रही है दोस्तों, जो कि आप प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोस देख सकते हो। तो दोस्तों मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।